जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बुधवार को लोहे के पीपे टीन बनाने की फैक्ट्री में 75 वर्षीय मालकिन की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जो कि हत्या से जोड़कर देखा जा रहा था। अज्ञात मुलजिम का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा टीम कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त की गई। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की गई। संदिग्ध चालक बलवीर सिंह और कर्मचारी से पूछताछ की गई तो बलवीर सिंह गुमराह करता रहा। प्राप्त सीसीटीवी और मोबाइल डिटेल्स के आधार पर फिर से पूछताछ की गई। उस पर बलवीर सिंह ने बताया कि मेरे चाचा चैन सिंह को बुलाकर पैसे के लालच में आकर पीपा फैक्ट्री की मालकिन की हत्या करवाई। घटना के समय में फैक्ट्री कर्मचारी राकेश को पिलाने ले गया, पीछे से चैन सिंह ने पीछे से वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मृतका निर्मला खेमका झोटवाड़ा की शालीमार चौराहे के पास में लोहे के पीपे बनाने की फैक्ट्री में रहती थी। इस फैक्ट्री में 3 कमरे बने हुए हैं। निर्मला खेमका यहाँ अकेली रहती थी, जबकि उनका बेटा राजेश, बहू और बाकी परिवार शास्त्री नगर इलाके में सुभाष नगर में रहते थे। वे फैक्ट्री में कामकाज पूरा होने पर रोजाना घर चले जाते थे। मंगलवार को भी रोजाना की तरह घर चले गए। इसके बाद निर्मला देवी फैक्ट्री में अकेली थी। बुधवार सुबह राजेश का ड्राइवर महेंद्र सुबह करीब 10 बजे फैक्ट्री पहुंचा, तब अंदर कमरे में मालकिन निर्मला फर्श पर मृत पड़ी मिली। वहां खून के छींटे बिखरे हुए थे। ये देखकर ड्राइवर महेंद्र ने मृतका निर्मला के बेटे राजेश को फोन कर जानकारी दी। पुलिस को सूचना दी, तब सूचना मिलने पर एसपी झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा सहित एसएफएल टीम और थाना प्रभारी विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।